दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए बात करूंगा अभी आपसे इकोनॉमिक्स के सेक्शन के ऊपर कि क्लरिकल के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं तो किस लेवल के आ रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आइडिया मिल जाएगा, और हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनमें से ही कोई आ जाए। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देख लीजिएगा, काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तीन कार्य जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जब ये वीडियो अपलोड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो इसका सही जवाब है CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला ही प्रश्न आपको किसी संस्था के बारे में ही मिल गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी संस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, सर्विस सेक्टर कौन सा नहीं है? तो जो निर्माण क्षेत्र कंस्ट्रक्शन वाला, तो ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता। इंश्योरेंस आपका सर्विस सेक्टर में आता है, होटल और रेस्टोरेंट सर्विस सेक्टर में आता है, और ट्रांसपोर्ट भी आता है। ठीक है, अब आते हैं 178 में। निम्नलिखित में से मनरेगा के लाभ के लिए योग्य है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य? अब देखो ये तीनों ही अर्थशास्त्र के बहुत ही प्राथमिक प्रश्न है, सरल से प्रश्न है अगर आप अवेयर हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ ही इन सवालों को करेंगे, ये नॉर्मल सी जानकारी है जितनी सब एस्पायरेंट्स को होती ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये वाला प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, ये 2000 में। ठीक है, और ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? हैवी इंडस्ट्री ब्यास के अंदर, भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। ठीक है, और संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर आपको कोई जैसे क्लरिकल का हो गया, HAS का हो गया, अलाइड का हो गया, उसमें इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कलेक्ट करेंगे, या फिर किसी दूसरे स्टेट के, आपको इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर होंगे, अगर आप उनसे ही कलेक्शन करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के, तो आपको किताबें छांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, क्लरिकल वगैरह में सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स को छूट के। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से, ये मत भूलना, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी 20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल वाले आते हैं इकोनॉमिक्स में हमेशा ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को भी देखते हैं। किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? जीवन निर्वाह मतलब उस देश का जो मतलब जीवन निर्वाह मतलब जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोगों का, मतलब उनका स्टैंडर्ड किस तरह से मैच करेंगे कि वो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कितना अच्छा है, गरीब है या अमीर है, इस तरह से, तो वो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मैच किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो ये होती है NDC के पास, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। ठीक है, ये बहुत ही प्राथमिक प्रश्न है और ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला भी, ये नीचे वाला भी, सेकंड वाला जो ये 183वां 82 वाला भी, और अब देखते हैं 84 वाला। किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजाति का आविष्कार किया? तो NBARLOG ने। ठीक है, तो सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन बन के आया, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी में भी, और इंटर क्लास इनइक्वलिटी और इंटर रीजनल इनइक्वलिटी, ये सभी चीज़ों में ग्रीन रिवॉल्यूशन का योगदान था। जब सब लोगों के पास फसलें अच्छी होगी, सभी स्टेट के पास, सभी वर्गों में समाज के, तो उनके बीच एक असमानता का भाव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो ये UNCTAD अंकटाड के द्वारा। तो ये प्रश्न एक ना एक जरूर आता है, 6-7 रिपोर्टें होती है ये, इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर में। भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में।
तो अब आते हैं 188 वाले में, रेपो रेट क्या होती है। तो ये रेट, रेपो रेट इसका बी है। तो इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। मतलब आरबीआई जो बैंक होता है, जो उसके अंतर्गत जो बैंक आते हैं, उनसे जो भी प्रतिभूतियां वो जमा करवाता है, उनको जो उसके बदले में ब्याज देता है, वह रेपो रेट होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट को ही बैंकर्स चेक कहते हैं। और भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इसके रेगुलेटरी अथॉरिटी है इरेडा, IRDA। ठीक है, और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है हमारे बजट शब्द का, तो वैसे कहीं विशेष रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे बजट का जो प्रावधान है वो 100 संविधान के 108 अनुच्छेद पे किया गया है। वहाँ पे बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। तो UNDP पर। ठीक है, तो ये देखिए आपको दूसरा प्रश्न मिल गया विश्व रिपोर्ट के ऊपर। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में देखा है, यहाँ तक कि अलाइड में भी देखा है, ये एक दो प्रश्न आए थे और एग्जाम्स में भी हर जगह ही आते हैं। तो ये चीज़ें सभी कवर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है हर बार जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं वो उस समय ये चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए कि कौन से सेक्शन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वो उस सेक्शन से हर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत सारे टैक्सेस हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा भी लगाए जाते हैं और राज्य सरकार के भी द्वारा भी लगाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि केंद्र के द्वारा लगाया जाता है या राज्य के द्वारा, लेकिन इस तरह का भी पूछा जाता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको ज़रूर क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि एक प्रश्न ज़रूर आता है इकोनॉमिक्स से इस टॉपिक पर। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है। तो है, ये है आपका थर्मल से, तापीय से। ठीक है, किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो इसका आंसर है बी। दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का वार्षिक भुगतान संतुलन। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही प्राथमिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की। ये सभी चीज़ें आपको कोई भी नोट्स लेंगे आप, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जितनी भी शब्दावलियां अर्थशास्त्र की है, शब्दावलियां होती है सभी सब्जेक्ट की, तो अर्थशास्त्र की जो शब्दावलियां हैं अगर आप उनको ही पढ़ के भी जाएंगे तो आप अर्थशास्त्र को कवर करके जाएंगे। कि जितने भी, जैसे आपका रेपो रेट है, ये रेपो रेट क्या है, ऐसे ऐसे आपका मुद्रास्फीति है और अन्य तरह के बहुत सारे टॉपिक है। मतलब अगर आप उनको सभी को एक एक नज़र में देख के मार जाओगे तो आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नोट्स उठाइए, वहाँ पे आपको पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, जो जिस तरह के ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक छोटे से नोट्स में होती ही होती है, क्योंकि जो भी छोटा नोट्स बनाया जाता है वो इस पर्पज से बनाया जाता है कि जैसे क्लरिकल के एग्ज़ाम है, छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ से जो भी फंडामेंटल क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के उठाए जाते हैं वो सारे ही कवर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कोई नोट्स लीजिए कहीं से भी, या फिर मैं आपको एक द इंस्टीट्यूट का एक नोट्स है इकोनॉमिक्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और मतलब पूरा सा एक निचोड़ होता है, हेडलाइंस टाइप की होती है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वही कवर किए हुए होते हैं। तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इधर उधर से कई सारे नोट्स। तो इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आए थे, 20 या 22 क्वेश्चन, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कुछ कुछ एरिया तो इसके भी फिक्स है, जैसे टैक्स के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आएगा, किसी हेडक्वार्टर के ऊपर भी कोई प्रश्न आएगा, किसी की स्थापना वर्ष के ऊपर कोई प्रश्न आ जाएगा इकोनॉमिक से जुड़े हुए, और है भी लिमिटेड ही है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया पिछले वीडियो में कि आप जो महिंद्रा वालों का बैंकिंग एग्ज़ाम के बूस्टर होते हैं GK के, उनको डाउनलोड कर दो, उसमें से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको पता है कि मेरे इस YouTube चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ उन सभी वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक तो ज़रूर किया करें। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक तो कम से कम किया ही करें, ताकि मैं वीडियो में सुधार करूं। अगर लाइक नहीं तो डिसलाइक तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, रिस्पॉन्स तो कीजिए। ठीक है, और अगर किसी चीज़ के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो
अभी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए TSD के साथ।